नमस्कार दोस्तों, हम जो है जीएस का जो डिस्कशन कर रहे हैं इसमें जीएस का, अब अभी टेस्ट पेपर है ये, घटना चक्र का है। ठीक है, घटना चक्र का है। तो ठीक है, सीधे क्वेश्चन पे आते हैं। और 150 क्वेश्चन है, पीसीएस का है, तो बेहद इंपॉर्टेंट है ये, तो इसी को ध्यान में रखते हुए हम सीधे डिस्कशन करते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन है, अष्टांग संग्रह किसकी रचना है, कह रहा है। अष्टांग संग्रह किसकी रचना है, तो पूछ रहा है कि अष्टांग संग्रह इसमें दिया है पाणिनी, बाणभट्ट, सुश्रुत, बाघभट्ट। ठीक है, तो ये जो है बाघभट्ट का रचना है, और ये इसके रचयिता जो है अष्टांग संग्रह के बाघभट्ट हैं, और ये जो संग्रह है आयुर्वेद से है। ठीक है, आयुर्वेदिक, आयुर्वेद से संबंधित है। ठीक, पल्लव कला का सही क्रम बताना है, तो पल्लव कला में दिया है महन शैली, मामल्य शैली, राज सिंह शैली और नंदी वर्मन शैली। तो ऐसे चारों दिया है, मतलब चारों ऑप्शन में ये दिया है। ठीक है, ऊपर नीचे करके, तो इसमें हम बता दें पहले, तो महेंद्र शैली की बात अगर करें हम, तो इनका जो कालक्रम था तो 610 से लेकर 640 ईस्वी तक था। ठीक है, 640 ईस्वी तक था। इसके बाद आता है मामल्ल शैली, और मामल्ल शैली का जो था 640 से 674 ईस्वी तक है। उसके बाद आते हैं राज सिंह शैली, और राज सिंह शैली का था 674 से लेकर 800 ईस्वी तक। आनंदी वर्मन शैली की आती है, तो इनका था 800 से लेकर जो था 900 ईस्वी तक। ठीक है, तो ये हो गया, यही ए सही ऑप्शन, महेंद्र शैली हो गया, मामल्ल शैली, राज सिंह शैली और नंदीवर्मन शैली। मतलब महेंद्र शैली जो है 610 से 640 तक, और ये सबसे पहले इनका पल्लव कला का सही क्रम यही है, शैली है। ठीक है, सर्वेंट ऑफ पीपुल्स सोसाइटी की बात करते हैं, तो सर्वेंट ऑफ पीपुल्स सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। इस ये मतलब एक संगठन से जरूर क्वेश्चन आता है, या सोसाइटी से जरूर क्वेश्चन आता है, तो इसको ध्यान में रखते हुए आप इस क्वेश्चन को जरूर अटेंड करें। तो इसमें जैसा कि आपको पता है कि 1920 में लाहौर अधिवेशन हुआ था, लाहौर में लाला लाजपत राय द्वारा जो है, लाला लाजपत राय द्वारा ये सर्वेंट ऑफ पीपुल्स सोसाइटी की स्थापना की गई थी। यह संस्था राष्ट्रवादी मशीन, जैसे इसका उद्देश्य क्या था कि राष्ट्रवादी मशीनरी को मातृभूमि की सेवा के लिए तैयार करती थी। ठीक है, उद्देश्य यही था। तो लाला लाजपत राय को याद रखिएगा, सर्वेंट ऑफ पीपुल्स सोसाइटी। और लाहौर अधिवेशन अधिवेशन 39, अब आप लाहौर अधिवेशन बताएंगे क्योंकि यहीं पर स्वराज की बात हुई थी। प्रथम भारतीय औद्योगिक आयोग की स्थापना की बात की गई है, तो ये जो प्रथम भारतीय औद्योगिक स्थापना 1916 में हुआ था। ठीक है, और ये किसने किया था, थॉमस हॉलैंड के नेतृत्व में एक भारतीय औद्योगिक जो है आयोग की स्थापना की गई थी, थॉमस हॉलैंड के नेतृत्व में जो है ये औद्योगिक आयोग की स्थापना की गई थी, प्रथम भारतीय, 1916, याद रखिएगा। अब उसके बाद सही कालानुक्रम बताना है, तो कह रहा है कि रॉलेक्ट एक्ट, गांधी इरविन पैक्ट, माल्य मिंटो, एल्बर्ट विल। तो सबसे पहले आप अगर देख लें तो एल्बर्ट विल आया था 1883 में, और उसके बाद आपका आता है माल्य मिंटो की बात करें तो 1909 वाला है, और मॉन्टेस्क्यू जेम्स फोर्ड जो था 1919 वाला था, और गांधी इरविन पैक्ट होता है 1931 में, और रॉलेक्ट एक्ट आता है 1919 में। तो अब कालानुक्रम बैठा लीजिए, एल्बर्ट विल चौथा सबसे पहले कर दीजिए, तो ये दोनों ऑप्शन गलत हो गए। उसके बाद जो है माल्य मिंटो की बात करें तो 1909 में चौथे के बाद तीसरा हो गया, उसके बाद आता है रॉलेक्ट एक्ट 1919 में, पहला हो गया, तो ए ऑप्शन हो गया। ठीक है, जोनाथन पील कमीशन, ये क्वेश्चन अच्छा है, नियुक्त किया गया था। अब जोनाथन पील कमीशन जब नियुक्त किया गया था तो 1857 में जोनाथन पील कमीशन नियुक्त किया गया था। पील कमीशन का संबंध 1857 के विद्रोह के बाद सेना के पुनर्गठन के लिए था, ये तो सेना के पुनर्गठन के लिए। ठीक है, ये जो था पुनर्गठन के लिए था। और पील कमीशन, जोनाथन पील कमीशन याद रखिएगा, इस कमीशन की संस्तुति के आधार पर सेना का पुनर्गठन किया गया था। इसके बाद क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से किसने भारतीय विश्वविद्यालयों में धार्मिक शिक्षा के लिए प्रबलता से वकालत की। ठीक है, तो भारतीय विश्वविद्यालयों में धार्मिक शिक्षा के लिए प्रबलता से वकालत की थी, तो मदन मोहन मालवीय जी थे। ठीक है, तो भारतीय विश्वविद्यालय में धार्मिक शिक्षा के लिए प्रबलता का वकालत किए थे, तो जैसे भारतीय विश्वविद्यालयों की धार्मिक शिक्षा के लिए मदन मोहन मालवीय ने प्रबलता से वकालत की थी। और जो मालवीय जी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय जो 1916 में स्थापित हुआ था, 1916 में, BHU जिसे बोलते हैं आप, BHU, ठीक है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक भी हैं, यही BHU के, 1916 में, इसी में सब लोग गए थे, महात्मा गांधी जी पहली बार इसी में गए थे। द सरस्वती फ्लोज ऑन के लेखक कौन है, आप देखें BB Lal है इसके। ठीक है, द सरस्वती फ्लोज ऑन के लेखक हैं BB Lal, तो ये जो है भारत का विख्यात पुरातत्वविद है। ठीक है, ये जो है पुरातत्व पुरा
तत्वविद बोलते हैं, पुरातत्वविद है ये, ठीक है। दस अस्तित्व फिरोज आनंद के लेखक भी बीबी लाल हैं। बीबी लाल के अन्य संपादित ग्रंथ हैं कुछ, उसका नाम बता दे रहा हूँ, द अर्लिएस्ट सिविलाइजेशन ऑफ साउथ एशिया, न्यू लाइट ऑन द इंडस सिविलाइजेशन, फ्रंटियर ऑन द इंडस सिविलाइजेशन। तो तीन है इंटरव्यू, ये तो है ही, प्लस जो है एक है द अर्लिएस्ट सिविलाइजेशन ऑफ साउथ एशिया, अ न्यू लाइट ऑन द इंडस सिविलाइजेशन, फ्रंटियर ऑन द इंडस सिविलाइजेशन, ठीक है। अब 1938 की बात हो रही है, 1938 में, ठीक है। अब 1938 में क्या हुआ था, राष्ट्रीय योजना समिति की अध्यक्षता किसने की थी, तो जो सुभाष चंद्र बोस जी थे 1938 में यही किए थे। 1938 में राष्ट्रीय योजना समिति की नियुक्ति और इसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी, ठीक है, अध्यक्षता पूछा है यहाँ पर, सॉरी। तो सुभाष चंद्र बोस ने राष्ट्रीय योजना समिति की नियुक्ति की थी, ठीक है। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि राष्ट्रीय योजना समिति की बात हो रही है कि अध्यक्षता किसने किया था, तो सुभाष चंद्र बोस नहीं होगा यहाँ पर, इसकी अध्यक्षता जो है जवाहरलाल नेहरू जी किए थे। लेकिन नियुक्ति की अगर बात होगी यहाँ पर, नियुक्ति यहाँ पर लिख दे रहा हूँ मैं, नियुक्ति, ठीक है, दोनों क्वेश्चन बन जाएंगे, नियुक्ति हो गया। और यहीं पर बात करें अध्यक्षता, अध्यक्षता जो है इन्होंने किया था राष्ट्रीय योजना समिति की। उसके बाद बात करें तो घटनाक्रम दिया है और हमें व्यवस्थित करना, शाही नौसेना, तो मैं बता दूं इसको यहीं पर लिखते जा रहा हूँ, शाही नौसेना फरवरी 1946 में घटनाक्रम हुआ। संविधान सभा का चुनाव जो होता है ये जुलाई में होता है, जुलाई 1946 को, तो ये आपको पता होगा, ठीक है। और इसके बाद बात करें कौन सा है, हाँ इसको बता दें, और सीधी कार्यवाही दिवस, और सीधी कार्यवाही दिवस के लिए कौन माना था, ये जब 16 अगस्त 1946, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ये सीधी कार्यवाही के लिए जब मुस्लिम लीग ने वो नहीं लिया था, पार्टिसिपेट नहीं किए, तब सीधी कार्रवाई के लिए मांग की। अंतरिम सरकार का गठन की बात करें तो 2 सितंबर जिसको बोलते हैं, 2 सितंबर 1946 को। अमाउंट बेटन योजना आपका आता है 3 जून को, 3 जून का 1947 को, ठीक है। तो आपने देखा कि सबसे बाद में घटना हो रहा है पांचवा, और पांचवा दो ऑप्शन में है, तो ये दोनों ऑप्शन काट दे रहे हो। अब देखिए 2 सितंबर का घटना बाद में हो रहा है, ठीक है, तो 2 सितंबर का घटना हुआ पांचवा, चौथा, चौथा पांचवा, ठीक है, दोनों में है। उसके बाद आया 16 अगस्त, ठीक है, 16 अगस्त था, और वो एक था जो संविधान सभा का जुलाई में था, तो 16 अगस्त वाला तीसरा हो गया, तीसरा चौथा पांचवा, हाँ ठीक है, फरवरी मतलब ये हो गया दूसरा पहला तीसरा चौथा, क्योंकि शाही नौसेना का विद्रोह जो हुआ फरवरी में हुआ था, ठीक है, और ये पहले करना हो गया। तो भारत के विभाजन की बालकन योजना उपज थी, अब बालकन योजना जो थी ये देखिए किसकी उपज थी ये पूछ रहा है। तो बालकन योजना जो जैसे 24 मार्च से 6 मई 1947 के बीच जो है भारतीय नेताओं के साथ जो है माउंट बेटन ने जो है लॉर्ड माउंट बेटन के मस्तिष्क की उपज थी ये, तो जब 24 मार्च से लेकर जो है 6 मई 1947 तक, ठीक है, भारतीय नेताओं के साथ 133 जो है साक्षात्कारों की तीव्र श्रृंखला के पश्चात माउंट बेटन ने तय किया कि कैबिनेट मिशन की रूपरेखा अव्यवहारिक हो चुकी है, तब उन्होंने एक वैकल्पिक योजना बनाई जिसे बालकन योजना का गुप्त नाम दिया गया था, ठीक है। तो इसमें जो है ये कैबिनेट मिशन की रूपरेखा को कहे कि ये अव्यवहारिक हो गई और इसीलिए जो है इसको गुप्त नाम दिए थे बालकन योजना। उसके बाद बात करें तो कालानुक्रम बताना है, ड्रामेटिक परफॉर्मेंस एक्ट तो ये आया 1876 में, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आता है 1878 में आता है ये, ठीक है। और बंगाल टेनेसी जो है, बंगाल टेनेसी की बात अगर हम करें तो ये 1885 में होगा, और फिर नॉर्थ वेस्टर्न प्रिवेंशन एंड अवध एक्ट की बात करें 1890 में। तो आपने देखा कि सबसे पहले घटना हुआ ड्रामेटिक परफॉर्मेंस एक्ट 1876 में, ए वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 में, फिर बंगाल टेनेसी की बात करें 1885 में, ए बी डी सी, ठीक है, सी ऑप्शन। अब लिख रहा है ब्रिटिश सरकार भारत के विभाजन के लिए उत्तरदायी नहीं है, उपयुक्त कथन किसका है। अब जो क्लीमेंट एटली थे, ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन जो है क्लीमेंट एटली, वो बोलते हैं कि ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली ने हाउस ऑफ कॉमन्स में जो है, हाउस ऑफ कॉमन्स ब्रिटेन की बात हो रही है, तो हाउस ऑफ कॉमन्स ने बोला कि 20 फरवरी 1947 को भारत की शीघ्र स्वतंत्रता प्रदान करने की ऐतिहासिक घोषणा की। उन्होंने कहा कि ब्रिटिश सरकार भारत के विभाजन के लिए उत्तरदायी नहीं है, ठीक है, मतलब भारत और पाकिस्तान का विभाजन है और वही करा के गए, वो कह रहे हैं कि उत्तरदायी नहीं है, ऐसा वो बोल रहे हैं, ऐसे थे ब्रिटिशर्स। उसके बाद बात करें हम, हाँ नेक्स्ट, हाँ तो क्लीमेंट एटली की बात कर रहे हैं, ये हो गया। अब 14 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो रेलवे आयोग 1901, अब पूछ रहा है कि ये अध्यक्ष आयोग है, अध्यक्ष है, तो रेलवे आयोग किसके अध्यक्षता में हुआ था, तो थॉमस रॉबर्टसन का नाम तो सुने होंगे, रॉबर्टसन, इनका नाम तो जान नहीं रहे होंगे वैसे। अकाल, ये सब फेमस है, अकाल आयोग हो गया, पुलिस सुधार आयोग हो गया, ये भी था, अकाल आयोग का नाम सुने होंगे, पुलिस सुधार आयोग का नाम सुने होंगे। तो जब
पुलिस सुधार आयोग का तो आप बहुत अच्छी तरह जान रहे होंगे, एंड्रयूज फ्रेजर थे। तो अगर डी का तीसरा भी करें अगर हम, तो डी का तीसरा दो ऑप्शन है, तो मतलब ये कट गए दो ऑप्शन। रेलवे आयोग का एक का चौथा है, ठीक है, एक का चौथा, अभी दो ऑप्शन बचा है। अब अकाल आयोग के बारे में अगर आप सुने हो, वैसे सुने तो होंगे लेकिन फिर भी बता रहा हूँ, एंथनी मैकडोनल्ड थे ये, ठीक है, 1901 में सब गठित हुए थे। और उसके बाद सिंचाई आयोग कालीन स्कॉट मॉनक्रीफ, ठीक है। तो देखिए बी का पहला है, बी का पहला सी ऑप्शन है, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा कि जो है रेलवे आयोग का हो गया टॉमस रॉबर्टसन, अकाल आयोग हो गया एंथनी मैकडोनल्ड, और मैकडोनल्ड को याद रखिएगा कि अकाल के लिए था ये, खाने के लिए मैकडोनल्ड, आपको जानते हैं, आप तो जान ही रहेंगे, मैकडी जो है इसीलिए फेमस है बर्गर के लिए, तो मैकडोनल्ड जिसे बोलते हैं। तो बस याद रखिएगा, अकाल पड़ा था तो खाने के लिए अकाल पड़ गया, तो मैकडोनल्ड है उसके। सिंचाई आयोग आया, कालीन स्कॉट मॉनक्रीफ थे, ठीक है। तो पुलिस सुधार आयोग आया, तो एंड्रयूज फ्रेजर। तो पुलिस सुधार आयोग का थोड़ा सा इस टाइप का नाम याद रखें, ये थोड़ा इंग्लिश नाम है, ये तो सब इंग्लिश नाम सब है लेकिन ये ज्यादा ही इंग्लिश नाम है, एंड्रयूज फ्रेजर, ठीक है, अकॉर्डिंग टू भारतीयों के हिसाब से बता रहा हूँ। आंध्र महिला सभा की संस्थापक कौन थी, ये अच्छा क्वेश्चन है। आंध्र महिला जो है, तो आंध्र महिला सभा की संस्थापक जो थी दुर्गा बाई देशमुख थी, ठीक है। तो दुर्गा बाई देशमुख आंध्र प्रदेश जो आंध्र महिला सभा की संस्थापक थी, वह लौह महिला के रूप में भी लोकप्रिय थी। तो ये लौह महिला के रूप में भी, लौह महिला, ठीक है, लौह महिला के रूप में भी जानी जाती थी। और उन्होंने मद्रास में सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान नमक सत्याग्रह का आयोजन किया और उन्हें जेल डाल दिया गया था। और इन्होंने ही जो है आंध्र महिला नामक एक पत्रिका का संपादन किया, यहीं पर आंध्र महिला नामक पत्रिका, ठीक है, नामक पत्रिका, ठीक है, ये भी संचालित की थी। और महिलाओं को उन पर लगाए गए अर्थहीन सामाजिक बाधाओं के खिलाफ विद्रोह करने के लिए प्रेरित किया। आई वह संविधान सभा की सदस्य भी रही हैं भाई, ये तो संविधान संविधान सभा की सदस्य रही हैं, ठीक है, सदस्य रही हैं। तो इनका नाम जानते रहे हैं आप, बहुत बहादुर थी, लौ महिला भी कही जाती थी ये। तो दुर्गाबाई देशमुख इन्होंने आंध्र महिला सभा के संस्थापक भी हैं ये। प्रथम कर्नाटक युद्ध के दौरान पौंडिचेरी के फ्रांसीसी गवर्नर जनरल कौन थे? तो जो जनरल जोसेफ ये जो थे, जो जनरल जोसेफ फ्रोंकाई डुप्लेक्स, इनका मतलब यही से नाम से फेमस है। तो डुप्लेक्स प्रथम कर्नाटक युद्ध के दौरान पौंडिचेरी के फ्रांसीसी गवर्नर जनरल थे, ठीक है, डुप्लेक्स, इनको याद रखना है। इनका पूरा नाम है जोसेफ फ्रांकोइस डुप्लेक्स, प्रथम कर्नाटक का वो जो थे गवर्नर जनरल थे फ्रांसीसी। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है, पूछा है, सुमेलित है। तो कह रहा है कि अब देखिए लाल स्याही कह रहा है, ठीक है, पहले तो आप जान लें कि ये कॉपर सल्फेट जो है कवकनाशी कह रहा है ना, तो कॉपर सल्फेट को नीला थोथा भी कहा जाता है और इसका प्रयोग कवकनाशी के रूप में होता है, ठीक है, यही है। तो इसको नीला थोथा भी लिख लेते हैं, नीला थोथा, ठीक है, ब्लू वाइट वाइट सो, और इसका प्रयोग जो है कवकनाशी के रूप में किया जाता है। और लाल स्याही की बात कर रहे हैं तो इयोसिन से बनाई जाती है, तो ये जो लिखा है फिनॉल ना, इसको कर लीजिए आप इयोसिन, इयोसिन से बनाई जाती है। और इसकी बात है कि फिलास, ये देखिए फिलासफर ऊन की बात हो रही है ना, ऊन लिखा है, मतलब ऊन है ये, फिलासफर ऊन का जो रासायनिक नाम है जिंक ऑक्साइड है, जिंक ऑक्साइड है, यहाँ जिंक सल्फाइड लिखा है, तो जिंक जिंक ऑक्साइड कर लीजिए, जिंक ऑक्साइड, ठीक है, जिंक ऑक्साइड कर लीजिएगा। और कृत्रिम वर्षा है तो सिल्वर क्लोराइड करें, सिल्वर क्लोराइड यहाँ लिखा है लेकिन सिल्वर क्लोराइड नहीं होगा, ये आयोडाइड होता है, यही होता है, थोड़ा थोड़ा करके कंफ्यूज कर देते हैं और क्वेश्चन गलत हो जाएगा। सिल्वर आयोडाइड से जो है कृत्रिम वर्षा किया जाता है, और जबकि सिल्वर क्लोराइड को हान सिल्वर कहते हैं, और सिल्वर क्लोराइड का नाम आएगा तो हान सिल्वर बोलते हैं, हान सिल्वर। तो हमने क्या क्या बात बताया कि कॉपर सल्फेट जिसे नीला थोथा भी कहते हैं कवकनाशी होता है, ठीक है, फिर फिलासफर ऊन की बात करें तो जिंक ऑक्साइड होता है, ये देखिए ये जो है जिंक ऑक्साइड रासायनिक नाम है। उसके बाद हमने बताया कृत्रिम वर्षा सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग किया जाता है, और जबकि जो हान सिल्वर है ये सिल्वर क्लोराइड की बात कर रहे हैं, ठीक है, को कहते हैं। इसके बाद बात करें हम साइटोकाइनिन, एवसिस अम्ल, ऑक्सिन और जिब्रेलिन, ये पादप हार्मोन है और कार्य इसके पूछा है। तो साइटोकाइनिन का कार्य क्या होता है, कोशिका विभाजन में होता है, तो कोशिका विभाजन में होता है, ठीक है। उसके बाद एवसिस अम्ल की बात करें तो विधि और रोधक है, ये तो बहुत फेमस है, अगर आप जान रहे होंगे थोड़ा भी पढ़े होंगे बायो में तो जान जाएंगे, ये हार्मोन के बारे में जरूर पढ़ लीजिएगा क्योंकि पूछता है। और ऑक्सिन की बात करें तो शिखर प्रधानता है, ठीक है, और जिब्रेलिन तो आप जान ही रहे होंगे कोशिका विधि के लिए होता है, ठीक है। तो पहला दूसरा तीसरा चौथा ए ऑप्शन है। अब कह रहा है इसमें
कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पौधों हेतु सूक्ष्म पोषक तत्व नहीं है, कह रहा है नहीं है। तो जो सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं जो है, तो सबसे पहले आप जान लीजिए कि लोहा होता है, सूक्ष्म पोषक तत्व में लोहा आता है, आपका जिंक आता है, ठीक है, मैग्नीज आता है, तो ये हो गया, ये हो गया, उसके बाद बोरान भी आता है, ठीक, और बात करें तो तांबा आता है, मॉलिब्डेनम आता है, निकेल आता है, क्लोरीन आता है, ठीक, इसको याद रखिएगा। लेकिन वही फास्फोरस, पोटेशियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम, सल्फर, ये सब जो है बात करें तो बृहत पोषक है, तो इसको याद रखिएगा आप कि इसमें ये ऑप्शन होगा नहीं है, नहीं है सूक्ष्म पोषक तत्व, नहीं है, ये बृहत स्तर पे आते हैं। तो फिर से एक बार बता दे रहा हूँ कि जो पौधे है तो सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं, वो लोहा होता है, मतलब आयरन हो गया, जिंक हो गया, ठीक है, यकी हो गया, जिंक हो गया, उसके बाद बात करें तो बोरान हो गया, तांबा हो गया, ठीक है, टिन बोलते हैं जिसे, मॉलिब्डेनम हो गया, और निकेल हो गया, क्लोरीन हो गया, ठीक है। इसके बाद बात करें तो जो फास्फोरस हो गया, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, सल्फर की बात करें तो बृहत पोषक तत्व। हाइड्रोफोबिया जो होता है, ये तो आपको पता होगा, हाइड्रोफोबिया रेबीज जब कुत्ता काट लेता है तो उससे हो जाता है, पानी से डर लगने लगता है। तो अब जो कुत्ता काटता है तो क्या चला जाएगा वहां पर आपके अंदर, तो रेबीज नामक वायरस से हो जाता है, ठीक है, तो विषाणु से हो जाता है। उसके बाद बात करें तो अदरक, हाँ ये क्वेश्चन तो सीधे सीधे आया था और फिर आ गया ये क्वेश्चन यहाँ पे, अभी आरओ आरओ में भी आया है, और अगर आप घटना चक्र का जो फर्स्ट संस्करण निकला है जीके का उसको उठा लें, या फिर आप इसको क्या बोलते हैं इसका नाम लूसेंट उठा लें, तो ऐसे एज इट इज मिला है, ऐसा ही है, ठीक है। तो ये कह रहा है कि कौन सा वो सुमेलित है, ठीक है, सुमेलित करना है, मतलब अदरक की बात करें तो प्रकंद खाते हैं इसका, प्रकंद, ठीक है, बस उसमें क्या था कि इंग्लिश में दिया था नाम, तो इंग्लिश भी इसका जानते रहिए। आलू की बात करें तो स्तंभकंद होता है, स्तंभकंद, और लहसुन की बात किया जाए अगर हम तो शल्ककंद होता है, और जिमीकंद की बात करें तो घनकंद होता है। तो एक का चौथा हो गया, एक का चौथा हो गया, तो ये काट दीजिए, एक का चौथा हो गया, आलू की बात करें तो स्तंभकंद है, बी का तीसरा हो गया, बी का तीसरा डी ऑप्शन में, और लहसुन की बात करें तो शल्ककंद है, और जिमीकंद की बात करें तो घनकंद है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट ही नहीं, वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आने की संभावना ज्यादा है इस पेपर में, बात कर रहे हैं पीसीएस के, क्योंकि अभी आरओ में पूछा है, रिपीट होते हैं क्वेश्चन, और इस टाइप के क्वेश्चन गलती होने के ज्यादा चांसेस रहते हैं। अगर हम बात करें ध्वनि की सर्वाधिक चाल होगी तो कांच में, लोहे में, ब्रास में, कार्बन डाइऑक्साइड में, ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, ठीक है। तो आपको पता है कि ध्वनि की सर्वाधिक चाल लोहे में ही होती है, ठीक है, क्योंकि लोहे का घनत्व ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू कांच, ब्रास, कार्बन डाइऑक्साइड के। उसके बाद ब्रास में होगा, फिर कांच में होगा, फिर गैस में रहता है CO2 में, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड। तो सूर्य से उत्पन्न ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो जो सूर्य में नाभिकीय संलयन होता है, ये तो हम पहले ही बात कर चुके हैं, ठीक है। तो इसके द्वारा जो नाभिकीय संलयन प्रक्रिया होता है, तो ऊष्मा और प्रकाश का उत्सर्जन होता है, और इस प्रक्रिया में क्या होता है कि हाइड्रोजन का नाभिकीय संलयन संलयित होकर हीलियम का निर्माण करता है। तो जब हाइड्रोजन ऊर्जा का स्रोत होता है, तो हाइड्रोजन का हीलियम में परिवर्तन होता है, हीलियम का हाइड्रोजन में नहीं होता, हाइड्रोजन का हीलियम में परिवर्तन होता है। तो हाइड्रोजन का नाभिक संचलित होकर जो है हीलियम का निर्माण करता है, तो ये हो जाता है। तो अभी हमने बताया, ये क्वेश्चन ये भी आ जाता है कि सूर्य से, मतलब सूर्य में क्या होता है, नाभिकीय संलयन होता है, और भी होता है बहुत कुछ, तो नाभिकीय संलयन होता है, नाभिकीय संलयन होता है, ठीक है। और उसके बाद बात करें हम, ऊष्मा और प्रकाश का उत्सर्जन होता है, और इसी में ही, इसी प्रक्रिया के दौरान क्या होता है, हाइड्रोजन का नाभिक संलयन होकर जो है हीलियम का निर्माण हो जाता है। ऊर्जा की मात्रा के आधार पर निम्नलिखित विकिरण प्रकारों को घटते हुए क्रम में लिखना है। अब कह रहा है कि इसमें जो है हमें क्रम में, घटते हुए क्रम में लिखना, मतलब सबसे सर्वाधिक और उससे कम, उससे कम। तो आपको पता है गामा रे पहले होता है, फिर एक्स रे आ जाता है, ठीक है, जैसे गामा हो जाता है, एक्स रे हो जाता है, अल्ट्रा वायलेट हो जाता है। तो देखिए गामा रे हो गया, एक्स रे हो गया, यहाँ पर देखिए एक्स रे, अब यही में मिल गया, ठीक है, ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, ये गलत हो गया। उसके बाद आ जाता है आपका अल्ट्रा वायलेट रे हो जाता है, फिर दृश्य प्रकाश आ जाता है जो ये दिखते हैं, उसके बाद इंफ्रारेड आता है, फिर माइक्रोवेव आता है, फिर रेडियो तरंग आते हैं, ठीक। तो याद रखिएगा कि सबसे लास्ट में रेडियो तरंग होते हैं, सबसे पहले जो होते हैं गामा किरण होते हैं। उसके बाद बात करें अगर हम, तो कथनों पर विचार करना, भारहीनता की अवस्था में एक मोमबत्ती की ज्वाला का आकार गोलाकार हो जाता है, ठीक है, भारहीनता की अवस्था में बात कर रहे हैं। तो अब देखिए, जिसको बोलते हैं माइक्रोग्रेविटी, भारहीनता की अवस्था में एक मोमबत्ती की ज्वाला का आकार गोलाकार हो जाता है। अंतरिक्ष में मोमबत्ती जलाने पर ज्वाला अधिक चमकदार होती है। अब देखिए, पहले तो आप इसको जानिए कि भारहीनता की अवस्था में क्या होगा, किसी मोमबत्ती की ज्वाला का आकार गोलाकार तो हो जाता है, ठीक है। ध्यान तब हो कि जैसे अंतरिक्ष में मोमबत्ती जलाने पर ज्वाला उत्पन्न नहीं होगी, क्योंकि वहाँ भाई वैक्यूम है, बुझ जाएगी, ठीक है, और वहाँ ऑक्सीजन है ही नहीं, ऑक्सीजन होता तो आज हम लोग वहीं पर टिकते, तो ज्वाला अधिक चमकदार होती है। गलत हो जाएगा ये स्टेटमेंट, पहला ऑप्शन सही है। अब ये कह रहा है यहाँ पर कि सुमेलित नहीं है, कह रहा है, इस पर जरूर फोकस करिएगा, क्योंकि ये पढ़ने के क्रम में अक्सर हम लोग गलत कर दिया करते हैं, और ऐसे दो चार क्वेश्चन भी गलत कर दिए ना, आसान क्वेश्चन, तो समझ लीजिए कि
एग्जाम से बाहर होने के ज्यादा चांसेस हो जाएगा। ठीक है, अंदर होने का नहीं ज्यादा चांसेस, बाहर होने का ज्यादा चांसेस हो जाएगा, तो इसको ध्यान में रखिएगा। पहले सबसे पहले यही नहीं, हाँ ये क्या कर रहा है, ठीक है, इसको जरूर पढ़ें। टाइम रहता है बाकायदा, अगर आप देखेंगे तो टाइम बिल्कुल मिलता है, बहुत ज्यादा रहता है। अब कह रहा है कि ऑर्निथोलॉजी पक्षियों का अध्ययन, इक्थियोलॉजी की बात कर रहा है, तो इक्थियोलॉजी बोलते हैं मछलियों का अध्ययन, ठीक है। अब कह रहा है ओरियोलॉजी, या फिर बोलते हैं जैसे कि ओरोलॉजी भी बोलते हैं, तो पर्वतों का अध्ययन किया जाता है, या बिस्किट, ओरियो बिस्किट का नाम दे दिया, बिस्किट का अध्ययन ये नहीं होगा, ठीक है, यहाँ पर पर्वतों का अध्ययन होता है, पर्वतों का अध्ययन हो गया, ठीक है, अध्ययन हो जाता है इसमें। तो ओरियोलॉजी बिस्किट नहीं है भैया, ये तो सीधे सीधे अगर गलत करते तो भी मिल जाता है, पर्वतों का अध्ययन। आप थैंटोलॉजी की बात करें तो मृत्यु का अध्ययन करते हैं, ठीक है। उसके बाद बात करें हम, साइंस का क्वेश्चन है सर, जीन पर स्थित डीएनए की बनी ऐसी अति सूक्ष्म संरचनाएं जो अनुवांशिक लक्षणों का धारण एवं उनका एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरण करती हैं, क्रोमोसोम्स कहलाती हैं। चलिए फिर बात करते हैं, ठीक है। उसके बाद बात करें कि क्रोमोसोम नामक सर्वप्रथम डब्ल्यू वाइल्डेयर 1888 में प्रस्तुत किए थे, तो अब चलिए बताते हैं। तो जो क्रोमोसोम पर स्थित होते हैं डीएनए, क्रोमोसोम पर स्थित डीएनए की बनी ऐसी अति सूक्ष्म संरचनाएं जो आनुवांशिक लक्षणों को धारण कर एवं उनका एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में स्थानांतरण करते हैं, तो वो जीन कहलाती है, ठीक है। अब यहाँ लिख रहा है क्या कि जो है क्रोमोसोम कहलाती है, ठीक है, तो जो कि ये सही है, अगर आप ध्यान से देखें तो ये बस उल्टा लिखा है, ऐसे ही कंफ्यूज करते हैं। उसके बाद बात करें तो क्रोमोसोम का नाम जो है सर्वप्रथम डब्ल्यू वाइल्डेयर ने 1888 में दिया था, प्रस्तुत किया था, दोनों ऑप्शन सही है। इसके बाद हम बात करें पारा 4.2 केल्विन के तापमान पर अतिचालक सुपर कंडक्टर बन जाता है, ये कह रहा है, ठीक है। उसके बाद बात करें तो नियोडिएस्टिन लगभग 100 केल्विन तापमान पर भी अतिचालकता प्राप्त कर लेता है। अब देखिए हम बात करें तो अतिचालकता की जो खोज सबसे पहले की है, तो श्रेय जो जाएगा इसको अतिचालकता के बारे में। हमारा उद्देश्य यही है कि जानकारी को ज्यादा से ज्यादा इसमें हम लोग एक्सप्लेनेशन को बहुत अच्छी तरह से समझे, इसीलिए मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर रहा हूँ, थोड़ा टाइम लेंगे बट सही रहेगा ना। तो ये थे केमल लिंद, ठीक है, केमल लिंद ओन्स बोलते हैं इन्हें, इन्हें जाता है कि अतिचालकता के बारे में, इन्हें सुपर कंडक्टिविटी के कंडक्टर के बारे में बताए थे। अत्यंत निम्न तापमान पर कुछ पदार्थ लगभग शून्य विद्युत प्रतिरोध दर्शाते हैं, ठीक है, जिसे अतिचालकता कहा जाता है। जो जैसे क्या होता है कि जब बहुत टेम्परेचर कम कर देते हैं तो कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं कि करंट नहीं लगते हैं, मतलब करंट पास ही नहीं होगा, तो शून्य प्रतिरोध विद्युत प्रतिरोध दर्शाते हैं, जिसे अतिचालकता कहा जाता है। और पारा जैसे क्या होता है कि 4.2 केल्विन पे जो है, और नियोबिएस्टिन जो बोलते हैं, नियोबिएस्टिन लगभग 100 केल्विन तापमान पर यह गुण दर्शाते हैं दोनों, ठीक है, तो दोनों स्टेटमेंट सही हो जाते हैं। तो इसको याद रखिए, नियोबिएस्टिन और पारा अतिचालक सुपर कंडक्टर का काम करता है। दृश्य विकिरण तरंगों की खोज किसने की थी, अब देखिए तो इसकी खोज का जो श्रेय जाएगा वो न्यूटन द्वारा की गई थी, और रंजन जो है, रंजन की बात आ गई यहाँ पर। अब देखिए ये तो बी ऑप्शन कर लीजिए, बी ऑप्शन कर लीजिए, दृश्य विकिरण की बात कर रहे हैं आप, तो बी ऑप्शन न्यूटन पे चले जाएगा। लेकिन रंजन की बात करें तो एक्सरे जो होता है, एक्सरे, ठीक है, एक्सरे, वो जो एक्सरे कराते हैं वो भी एक्सरे ही है, वही है। उसके बाद हर्शल की बात करें तो ये इंफ्रारेड की बात करते हैं, ठीक है, इंफ्रारेड की बात करते हैं। और मार्कोनी जो दिए हैं ये, तो मार्कोनी की बात करें तो दीर्घ रेडियो जो तरंगे होती हैं, तो रेडियो वेव होते हैं लेकिन दीर्घ वाली होती है, दीर्घ रेडियो तरंगे, ठीक। तो इसको याद रखिएगा कि रंजन एक्सरे, न्यूटन दृश्य विकिरण, हर्शल ने इंफ्रारेड, और मार्कोनी ने दीर्घ रेडियो तरंगों की खोज की थी। उसके बाद बात करें तो भूपटल पर जो है, ये कह रहा है भूपटल पर तत्वों में से भूपटल पर सर्वाधिक मात्रा में पाए जाते हैं। अब क्या पाए जाते हैं, तो सबसे अगर आप एनसीईआरटी उठाएंगे तो क्लास 11 की, तो ऐसे एक चार्ट बनाए हैं, ठीक है, आप वहीं पर ये पाए जाएंगे। तो भूपटल पर सर्वाधिक मात्रा में जो पाया जाएगा, देखिए सर्वाधिक मात्रा में ऑक्सीजन पाया जाता है, ठीक है। लेकिन अगर इसमें बात करें, प्रश्नानुसार बात किया जाए, जैसे O2 जो पहले हम बता दे रहे हैं 46.60% पाया जाता है ऑक्सीजन, भूपटल की बात हो रही है। लेकिन अगर इसकी बात करें, इसमें लोहा और हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, एल्युमिनियम, तो एल्युमिनियम सर्वाधिक पाया जाता है 8.13%, ठीक है, सर्वाधिक पाया जाता है। कैप्साइसिन की बात करें, कैप्साइसिन के संदर्भ में कथनों पर विचार किया है, कैप्साइसिन, आप तो कैप्साइसिन बोलते हैं इसे, कैप्साइसिन लिखा है यहाँ, तो आपको पता है मिर्च के उसमें होता है, मिर्च में सक्रिय रूप वाला घटक है ये, बिल्कुल सही बात है, इसीलिए तीखापन लगता है कैप्साइसिन की वजह से। इसका प्रयोग दर्द निवारक जो होता है एनालेजिक के रूप में किया जाता है, तो दर्द नाशक के रूप में किया जाता है, या दर्द निवारक कह सकते हैं। तो मैं बता दूं इसे कि इसका जो
प्रयोग है कुछ मरहम, जैसे दर्द निवारक के रूप में या मरहम कह सकते हैं, एनालिसिस के रूप में भी किया जाता है। दोनों ऑप्शन सही है। आ देखिए करंट का क्वेश्चन आ रहा है। ये क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट डाउन ही कर लीजिएगा, ठीक है, वन लाइनर बना के। तो इसमें कहा कि जो अप्रैल 2022 में अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट में पहली अश्वेत महिला जो है न्यायाधीश कौन बनी है। तो आपने बहुत सुना होगा केतन जी ब्राउन जैक्सन का नाम सुना होगा, ठीक है। ब्राउन जैक्सन से मत याद रखिएगा, क्योंकि देख रहे हैं जैक्सन जैक्सन ब्राउन जैक्सन, ये बहुत नाम है, मिशेल ब्राउन जैक्सन दे दिया है, लेकिन केतन जी को याद रखिएगा, केतन जी ब्राउन जैक्सन, ठीक है। पहली ऐसी अश्वेत महिला है जो अमेरिका की बनी है। तो सीनेट में उनके पक्ष में 53 वोट पड़े थे सीनेट में, और जबकि विरोध की बात करें तो 47 वोट पड़े थे। और अप्रैल 2022 में क्या हुआ था कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भारतीय मूल की जो है अमेरिकी राजनीतिक रचना सचदेव कोरहोनेन को माली में अपना अपना राजदूत नामित किया है। तो यहीं पर ये जो है रचना सचदेव कोरहोनेन की बात करें तो माली में इनको जो है पहले अपना जो है वो राजनीतिक रचना के रूप में वहां पर नियुक्त किया है माली में। अब बात करें तो मार्च 2022 में बाजार नियामक संस्थान भारतीय प्रतिभूति और विनियामक बोर्ड सेबी के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो इनको भी याद रखिएगा भाई, ये तो बेहद इंपॉर्टेंट है। ये हो गया और उसके बाद जो है ये हो गया, क्योंकि ये जो पहली अश्वेत हो जाती है, पहली हो जाती है, तो फिर थोड़ा सा ये ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो माधवी पुरी बुच का नाम आप सुने होंगे, अगर आप टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किए हैं तो वहां पर आप ज्वाइन कर लीजिए, ये सब क्वेश्चन वहां पर करा दिए गए हैं पहले से ही, ठीक है। तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे। मार्च 2022 में बाजार जो सेबी के नए अध्यक्ष के रूप में माधवी पुरी बुच है, जो उन्हें पदभार ग्रहण किया है, उन्होंने भी अध्यक्ष के रूप में, पहली महिला है, तो इनको याद रखिएगा। 17वीं मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता 2021 का खिताब, अब अच्छा थोड़ा सा इनको बता दें, माधवी पुरी बुच जो अजय त्यागी का स्थान लेंगे, इससे पहले आप पूछ सकता कि माधवी पुरी बुच किसका स्थान लेंगी, तो जो अजय त्यागी इससे पहले अध्यक्ष थे तो उनका स्थान ले लेंगे, ठीक है। तो इनका कार्यकाल 3 वर्ष का होगा। ये सेबी की 10वीं एवं पहली महिला अध्यक्ष है, ठीक है, इनको याद रखिएगा, पहली महिला है और 10वीं नंबर की है। थोड़ा सा सेबी का बारे में बता दें यहीं पर ही तो अच्छा रहेगा, इसीलिए थोड़ा सा टाइम ले लेते हैं। तो ये 12 अप्रैल जो है 12 अप्रैल 1988 को, अजय त्यागी को याद रखिएगा कि 9वें थे, 9th नंबर के, और माधवीपुरी बुच 10वें नंबर के हैं और पहली महिला है, ठीक है। उसके बाद बात करें तो हाँ, 12 अप्रैल 1988 को इसकी स्थापना होती है भारत सरकार के प्रस्ताव के माध्यम से, गैर संवैधानिक निकाय है ये, ठीक है, गैर संवैधानिक प्रस्ताव के माध्यम से होता है। उसके बाद बात करें तो इसकी स्थापना 1992 में एक सांविधिक निकाय के रूप में की गई थी, ठीक है। तो 1992 में इनका एक सांविधिक निकाय के रूप में किया गया।